हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्व और आप देख रहे हैं विश ब्लॉग्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज मैं यहां पे उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए मोबाइल फोन की बैटरी बैकअप के बारे में। ज्यादातर यूजर्स आजकल मोबाइल फोन की बैटरी बैकअप को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। रीजन ऐसा नहीं है कि बैटरी ही खराब होती है आजकल मोबाइल फोन्स की, गलती करते हैं हमारे यूजर्स जो फोन को यूज करते हैं, कई सारी गलतियां करते हैं। उन्हीं गलतियों के ऊपर से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूं और आप इस पूरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी करिए, क्योंकि आज मैं आपके पूरे बैटरी बैकअप के बारे में फुल रिव्यू देने वाला हूं और उसे प्रिवेंट करने का तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप उसकी बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं स्क्रीन ब्राइटनेस की। मैंने देखा है कि अक्सर जहां जरूरत नहीं होती वहां पर भी आप स्क्रीन ब्राइटनेस को बढ़ाकर काम करते हैं और सबसे ज्यादा बैटरी यही खपत करता है। अगर आप सेटिंग में जाके स्क्रीन ब्राइटनेस की डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा बैटरी खपत यही करता है। तो गाइस, आप अपने स्क्रीन ब्राइटनेस को कम कर दीजिए, जहां तक हो सके आप डार्क वॉलपेपर का भी यूज करें। दोस्तों, दूसरी बात आती है 3G या 4G की। तो मैं 3G और 4G की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इसका मतलब कि जब आप अपना फोन का इंटरनेट 3G चलाते हैं या फिर 4G चलाते हैं तो ये चीज आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा खाता है। मतलब ये दोनों मोड ऐसे हैं जहां पे स्पीड तो बड़ी अच्छी मिलती है लेकिन बैटरी बहुत खाता है। तो मैं आपको ये चीज प्रेफर करूंगा कि प्लीज वाईफाई का यूज करिए, क्योंकि 3G और 4G ये दोनों मोड बहुत बैटरी खाते हैं, लेकिन अगर आप वाईफाई का यूज करेंगे अपने फोन को चलाने में, इंटरनेट को चलाने में, तो आपकी बैटरी खपत कम होगी, क्योंकि वाईफाई बहुत कम बैटरी लेता है। तो गाइज, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, तीसरी बात आती है वॉलपेपर की। मैंने देखा है कि लोग अक्सर अपने फोन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लाइव वॉलपेपर का यूज करते हैं। लाइव वॉलपेपर, ये पीछे एनिमेटेड वाला बैकग्राउंड रहता है, कुछ मछलियां घूमती हैं वगैरह वगैरह, कई सारे ऐसे वॉलपेपर्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा बैटरी खींचते हैं, ये आपके फोन को बर्बाद कर देते हैं। प्लीज लाइव वॉलपेपर का यूज मत करिए। यूज करिए अपने फोन में किसी साधारण सी पिक्चर का, या फिर अपनी ही फोटो लगा दीजिए, या फिर किसी डार्क पिक्चर का यूज करिए, क्योंकि लाइव वॉलपेपर से आपकी बैटरी बहुत ज्यादा खराब होती है और इसकी खपत भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिए। तो दोस्तों, चौथी बात आती है ब्लूटूथ की। कई सारे फीचर्स आपके फोन में दिए होते हैं वाईफाई, हॉटस्पॉट वगैरह की। तो हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ, ये दो चीजें बैटरी खपत करती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हॉटस्पॉट उतना कम, सबसे ज्यादा खपत करता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ अगर आप हमेशा ऑन रखते हैं तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, ब्लूटूथ आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा लेता है। तो कृपया करके अपने ब्लूटूथ को बंद कर दें और बैटरी बैकअप को बढ़ा लें। तो दोस्तों, पांचवी बात आती है एप्स की। मतलब जो एप्स आप यूज नहीं कर रहे हो उनको भी रखते हो, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी बैटरी बैकअप को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। एप्स को प्लीज डिलीट कर दो जिसका आप यूज नहीं कर रहे हो बहुत टाइम से, या फिर आप वहां जाके सेटिंग में जाके, रनिंग में जाके आप उस ऐप को फोर्स स्टॉप या फिर स्टॉप कर दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो सबसे ज्यादा बैटरी एप्स भी खाते हैं, आपके फोन को खराब कर सकते हैं, आपकी बैटरी को खराब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, एप्स को भी जो आप यूज नहीं करते उन्हें डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, फोर्स स्टॉप कर दीजिए या फिर स्टॉप कर दीजिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए रोज नए वीडियोस लाता रहता हूं। गाइस, आप देख रहे हैं विश ब्लॉग्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं हूं विश्वा, और चलते चलते मैं आपको कह देना चाहता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम।